फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपको किसी भी टाइप्स के मोटर स्टार्टर का ओवरलोड रिले सेटिंग करना बताऊंगा। फ्रेंड्स, अगर आपके पास वायल स्टार्टर है, ड्यूल स्टार्टर है, स्टार डेल्टा का स्टार्टर है, किसी भी टाइप्स का स्टार्टर है जिसमें आपका ओवरलोड रिले लगा हुआ है, तो इस ओवरलोड रिले का आपको कैसे सेटिंग करना है उस चीज़ को मैं बताऊँगा। फ्रेंड्स, बहुत सारे लोग गलती क्या करते हैं, जब भी वो किसी मोटर स्टार्टर से अपने मोटर को चलाते हैं तो वहाँ पर फ्रेंड्स वो क्या करते हैं, मोटर का कनेक्शन करके अपने स्टार्टर को ऑन कर देते हैं और उनको ये लगता है कि जो हमारा मोटर स्टार्टर है ये हमारे मोटर को बराबर प्रोटेक्शन देगा, बराबर सेफ्टी देगा। पर फ्रेंड्स, ऐसे होता नहीं है। उनका मोटर बार बार जलता है और उनको समझ में नहीं आता है कि हमारे स्टार्टर के अंदर क्या प्रॉब्लम हो रहा है। फ्रेंड्स, देखिए, जब भी आप अपने किसी मोटर को किसी मोटर स्टार्टर से चलाते हैं तो वहां पे आपको क्या करना है, जब भी आप अपने इसमें मोटर का कनेक्शन करेंगे तो उस टाइम में आपके उस मोटर के एम्पियर के हिसाब से इसका ओवरलोड रिले का सेटिंग करना बहुत जरूरी है। अगर आपका ओवरलोड रिले का सेटिंग ही सही नहीं होगा तो आपका मोटर कितना भी करंट लेके जल जाएगा तो भी आपका यह स्टार्टर बंद नहीं होगा। वहीं फ्रेंड्स, बहुत सारे लोग ये भी गलती करते हैं, जो उनका मोटर होता है उस मोटर के रेंज से या तो बड़ा स्टार्टर परचेज कर लेते हैं, नहीं तो उससे छोटा स्टार्टर परचेज कर लेते हैं, जिससे क्या होता है, वो स्टार्टर उनके मोटर को बराबर प्रोटेक्शन नहीं देता है। तो फ्रेंड्स, आपको अपने मोटर के लिए कितना एम्पियर तक का ओवरलोड रिले वाला स्टार्टर परचेज करना है और आपका जो मोटर होता है उस मोटर के रनिंग करंट और फुल करंट के हिसाब से आपको इस ओवरलोड रिले को कितना एम्पियर पर सेट करना है उस चीज को मैं आपको बताऊंगा, जिससे कि आपका मोटर होगा उसको बराबर प्रोटेक्शन मिलेगा और आपका मोटर जल्दी खराब नहीं होगा। तो फ्रेंड्स, हमारे इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। साथ ही फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल्स पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑल को क्लिक कर लीजिएगा, जिससे कि हमारे आने वाले सारे नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलते रहेगा। फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू कर लेते हैं। फ्रेंड्स, देखिए, जो हमारा ये ओवरलोड रिले होता है ये हमारा अलग अलग टाइप्स में आता है। जैसे फ्रेंड्स आप यहां पर देख रहे हैं, एक हमारा टाइप्स का ये है और एक हमारे पास इस टाइप्स का ओवरलोड रिले है। और फ्रेंड्स, अलग अलग टाइप्स का ओवरलोड रिले आता है, उस ओवरलोड रिले के ऊपर आप देखिएगा तो यहाँ पे हमारा करंट लिखा होता है। जैसे फ्रेंड्स ये देखिए, यहाँ पे कितना है, 20 एम्पियर से लेके 33 एम्पियर तक। मतलब ये फ्रेंड जो हमारा ओवरलोड रिले होगा, ये अगर आपका कोई मोटर 20 एम्पियर से लेके 33 एम्पियर तक का करंट लेता है वहां पे ये ओवरलोड रिले इस्तेमाल होगा। उससे कम एम्पियर वाले मोटर के लिए अगर आप इस ओवरलोड रिले को इस्तेमाल करेंगे तो ये आपका ओवरलोड रिले किसी भी टाइप्स का प्रोटेक्शन नहीं देगा। वहीं फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए, ये हमारा ओवरलोड रिले 13 से 22 एम्पियर का है। इसको फ्रेंड्स हमको क्या करना होता है, यहाँ से सेटिंग करना होता है। अब फ्रेंड्स हम बात करते हैं कि जो हमारा मोटर होता है उस मोटर के एम्पियर के हिसाब से हमको इस ओवरलोड रिले को कैसे सेटिंग करना होता है, तो चलिए उसको एक बार समझ लेते हैं। फ्रेंड्स, मान लीजिए, पहले मैं आपको थ्री फेस में बता देता हूं, उसके बाद मैं आपको सिंगल फेस के लिए बता दूंगा। फ्रेंड्स, अगर मान लीजिए आपके पास थ्री फेस का कोई 5 HP का अगर मोटर है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे हम लिख रहे हैं 5 HP का, तो फ्रेंड्स इस 5 HP के मोटर के लिए आप अपने ओवरलोड रिले को कितना एम्पियर पर सेट करेंगे। फ्रेंड्स देखिए, जो आपका मोटर होता है उस मोटर के आप नेम प्लेट पे देखिएगा तो वहाँ पे एक आपको FLC यहाँ पे लिखा रहेगा। FLC का मतलब होता है फुल लोड करंट, यहाँ पे आपका लिखा रहेगा। मतलब जब आपका मोटर फुल लोड में चलेगा तो वहाँ पे उतना एम्पियर का करंट लेगा। तो फ्रेंड्स, अगर मानिए आपके पास कोई मोटर है 5 HP का, उसका फुल लोड करंट यहाँ पे मान लीजिए 7 एम्पियर लिखा हुआ है, तो फ्रेंड्स आप इस ओवरलोड रिले को कितना एम्पियर पर सेट करेंगे। तो फ्रेंड्स, मैं आपको एक चीज बता रहा हूं, जब आपको फुल लोड करंट के हिसाब से सेट करना होगा तो वहां पे आपको क्या करना है, देखिए, जो आपका ये ओवरलोड रिले होगा, अगर मान लीजिए इसका अगर 5 to 9 दिया हुआ है तो आपको फ्रेंड्स क्या करना है, इसको 7 एम्पियर पे सेट करना है। तब जाके क्या होगा, जब आपका मोटर 7 एम्पियर तक का करंट लेगा जो कि इसका फुल लोड करंट है, वहां पे ये ओवरलोड रिले आपके मोटर को बराबर प्रोटेक्शन देगा। लेकिन फ्रेंड्स, मैं आपको एक चीज यहाँ पे और बता देता हूँ। देखिए, जो आपका 5 HP का मोटर है इसको फ्रेंड्स क्या करना है, जो आपका रनिंग करंट है, फ्रेंड्स देखिए, फुल लोड करंट में और रनिंग करंट में अंतर होता है। जैसे मानिए आप 5 HP के मोटर को किसी सप्लाई के साथ कनेक्ट किए हैं, यहाँ पे जब आपका मोटर रनिंग होता है तो वहां पे आपको क्या करना है, क्लैम मीटर से आपको क्या करना है, इस मोटर का रनिंग करंट को चेक करना है। जैसे जब आपका मोटर चल रहा है उस टाइम में उस मोटर का रनिंग करंट क्या है, क्योंकि फ्रेंड देखिए, वोल्टेज के हिसाब से जो आपका करंट होता है वो यहाँ पे वेरी करते रहता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे 440 वोल्ट में आप चेक करेंगे तो वहां पे आपका मोटर थोड़ा अलग करंट लेगा, वहीं अगर इसी मोटर को 415 वोल्ट पर अगर आप चला रहे हैं तो वहां पे जो उसका करंट होगा वहां पे बदल जाएगा। अब फ्रेंड देखिए, फुल लोड करंट कैसे निकालना होता है, मैं उस चीज को पहले यहाँ पे बता देता हूँ। फ्रेंड देखिए, जो आपका 5 HP का मोटर है, अगर आप यहाँ पे लिखा हुआ अगर आप नहीं पढ़ पा रहे हैं, अगर आपको नहीं पता चल रहा है, तो इसमें क्या करना है, जो भी आपका HP रहेगा इसमें आपको 1.3 से मल्टीप्लाई करना है। तो यहां पे जब आप 1.3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां पे कितना आएगा, 6.5 एम्पियर आएगा, जो कि इस मोटर का फुल लोड करंट है। तो आपको इतना ही एम्पियर पे आपको अपने ओवरलोड रिले को सेटिंग करना है, अगर आप रनिंग करंट नहीं निकाल पा रहे तब। वही फ्रेंड्स, अगर आपके पास क्लैम मीटर, तो सबसे बेटर क्या है, आपको क्या करना है, यहां पे अपने क्लैम मीटर से चेक करना है। मान लीजिए यहां पे अगर आप चेक कर रहे हैं, यहां पे आपका 5 एम्पियर आ रहा है, अगर आपका 5 HP का
जो मोटर है, अगर ये रनिंग करंट इसका 5 एम्पियर आ रहा है तो इसमें आपको क्या करना है, 1.15 से मल्टीप्लाई करना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जब 1.15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे कितना आ रहा है, 5.75 एम्पियर आ रहा है। फ्रेंड्स आप यहाँ पे देख सकते हैं जो हमारा 5 एचपी का मोटर है इसका फुल लोड करंट कितना है, 6.5 एम्पियर। और वहीं फ्रेंड्स जब आपको रनिंग करंट निकालना होगा तो उसमें आपको 1.15 से यहाँ पे मल्टीप्लाई करना होगा तो यहाँ पे कितना आएगा, 5.75 आएगा। तो आपको क्या करना है यहाँ पे, अगर आपके रिले में अगर मान लीजिए 5 से अगर 8 एम्पियर का रिले है तो वहाँ पे आपको क्या करना है, अपने रिले को 6 एम्पियर के आसपास सेट करना है, क्योंकि इसमें 5.75 दिया नहीं होगा तो आपको या तो 5 पे नहीं तो आपको क्या करना है, 6 एम्पियर पे सेट कर लेना है। इस ओवरलोड रिले का स्टार्टिंग करंट 13 एम्पियर है तो इसके लिए आपको कितना एम्पियर का ओवरलोड रिले लेना है, तो इसके लिए आपको क्या करना है, ओवरलोड जो रिले होगा वो आपको लेना है यहां पे 5 एम्पियर टू लेके यहां पे 8 एम्पियर तक का आपको ओवरलोड रिले परचेज करना है, ठीक है, 5 एचपी मोटर के लिए। वहीं फ्रेंड्स अगर मान लीजिए आपके पास 10 एचपी का मोटर है तो आपको सेम ऐसे ही करना है, 10 एचपी मोटर को आपको क्या करना है, 1.3 से यहां पे मल्टीप्लाई करना है, यहां पे 13 एम्पियर आ जाएगा। और आने के बाद क्या करना है, आपको जो रिले परचेज करना है वहां पे क्या करना है, 10 टू लेके 15 या 16 एम्पियर तक का रिले परचेज करना है। फ्रेंड्स आपको एक चीज ध्यान रखना है, आपका मोटर का जो भी करंट होगा उस करंट से 2-3 एम्पियर पीछे से लेके 2-3 एम्पियर आगे तक का रिले परचेज करना। अगर मान लीजिए कोई मोटर 10 एम्पियर का करंट ले रहा है तो आपको यहाँ पर जो आपका ये ओवरलोड रिले होगा ये क्या करना है, आपको लेना है 8 टू लेके 15 एम्पियर के आसपास लेना है। उस टाइम में क्या होगा, आप अपने मोटर के करंट के हिसाब से यहाँ पे ओवरलोड रिले को सेटिंग कर पाएंगे। वहीं फ्रेंड्स अगर मान लीजिए आप किलोवाट से इसको निकालना चाहते हैं तो जैसे यहाँ पे हमारा 5 किलोवाट का मोटर है तो इसके लिए आपको क्या करना है, इसमें क्या करना है, 5.75 से आपको मल्टीप्लाई करना है तो यहाँ पे फ्रेंड्स हमारा कितना हो जाएगा, 8.75 एम्पियर हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, 5 किलोवाट के लिए आपको क्या करना है, इतना एम्पियर पे आपको मोटर को सेट करना है। आपको फ्रेंड्स रनिंग करंट के हिसाब से ही सेट करना है, जो भी आपका रनिंग करंट आएगा, आप कोई कितना भी एचपी का मोटर होने दीजिए उसको आपको क्या करना है, किलोमीटर से चेक कर लेना है और जो भी एम्पियर आएगा उस एम्पियर में आपको क्या करना है, 1.15 से मल्टीप्लाई करना है और जो एम्पियर आ रहा है उतना एम्पियर पे आप अपने ओवरलोड रिले को सेटिंग कर दीजिए। उस टाइम में आपका जो ओवरलोड रिले होगा वो आपके मोटर को बराबर प्रोटेक्शन देगा। जो भी आपका मोटर का एम्पियर आएगा, चाहे वो रनिंग हो या फुल लोड करंट हो, जैसे मान लीजिए अगर आपका कोई मोटर 7 एम्पियर करंट ले रहा है तो आपको क्या करना है, 5 टू यहां पे 10 एम्पियर तक का रिले परचेज करना है। और आप अगर मान लीजिए आपका 7 एम्पियर ले रहा है, अगर आप यहां पे 8 एम्पियर से लेके 15 एम्पियर का रिले परचेज कर रहे हैं वहां पे आपका ओवरलोड कोई भी प्रोटेक्शन नहीं देगा और आपका मोटर बार बार जलेगा। फ्रेंड्स अगर मान लीजिए मैं यहां पे आपको एक बार सिंगल फेस में ही बता देता हूं, अगर फ्रेंड्स सिंगल फेस का कोई मोटर है, अगर मान लीजिए वो 3 एचपी का मोटर है, 3 एचपी का मोटर है, तो इसको अगर आपको रिले सेटिंग करना है सिंगल फेस स्टार्टर में तो वहां पे फ्रेंड्स आपको क्या करना है, देखिए जो आपका ये 3 एचपी का मोटर होगा तो इसमें आपको क्या करना है, 4 एम्पियर तक का इसमें आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। मतलब जो हमारा 1 एचपी होता है वो हमारा क्या होता है, सिंगल फेस में 4 एम्पियर का करंट लेता है, तो आपको क्या करना है, 3 एचपी का मोटर है सिंगल फेस में तो आपको फ्रेंड्स क्या करना है, यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई करना है तो यहाँ पे 12 एम्पियर आएगा। तो जो आपका ओवरलोड रिले होगा उसको आपको क्या करना है, 12 पे सेट करना है और आपका जो ओवरलोड रिले वहाँ पे परचेज करना है वो आपको क्या करना है, यहाँ पे 8 टू लेके 15 एम्पियर तक परचेज कर लेना है। तो फ्रेंड्स मैं आपको सिंगल फेस 3 फेस दोनों का बता दिया, उम्मीद है फ्रेंड्स आप वीडियो समझ गए होंगे। फिर भी अगर आपके मन में कोई भी डाउट है, अगर आप हमसे कुछ पूछना चाहते हैं तो आप हमको कमेंट कर सकते हैं, मैं आपका जरूर हेल्प करूंगा। चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।